अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। मोदी का कार्यकाल से कितने खुश हो? भाई काम तो है नहीं, मारा मकान बनाने का वादा करा था, लक्की बना था है नहीं, मतलब मकान है नहीं बोलो, जब मकान ही नहीं बना फिर खुश क्या होगा उसमें, जब मतलब लोन देने के लिए कह रहे थे 2.5 लाख का वो रखा था फार्म। मेरे ख्याल से आज तक जो है इंदिरा गांधी के बाद में एक यही प्रधानमंत्री ऐसे आए हैं जिन्होंने देश का इतना विकास किया है। अरे जब भी तो आज जय विदेशों में घूमे, आज पता है हिंदुस्तान कौन सी है? आज पांचवी शक्ति ऐसे ही बनेगा क्या? हिंदुस्तान पांचवी शक्ति है इस समय। अच्छा गठबंधन जो होगा क्या कहेंगे? जूता बंधन होगा। जूत बजेगा आपस में। और हमने पहले भी देखा, पहले भी गठबंधन देखे कि जो है 5-4 महीने भी नहीं चले जाए उसमें। समझौता वाली सरकार किसकी रहेगी? मोदी भाई साहब क्या नहीं करा आप ये बताओ? क्या करा? क्या सब कुछ करा और चल ही रहा ये सबके सामने, चाहे कोई मानो ना मानो। लोग बात कह रहे सिर्फ गाय की बात करते हैं मोदी। अजी गाय का दूध पिया नो थोड़े कहा माँ को काट के खा लो। जब हिंदू धर्म ये कहता है गाय माता तो नुकाव से काट के खा लो। विदेश में घूमते है? अब विदेश में तो घूमेंगे, आप इस कुम को देख लो कितना पैसा आज के इसके द्वारा, ये विदेशी पैसा जो यहाँ कुंभ में आधे लोग बाग घूमने, ये विदेश का पैसा यहाँ आया, ये किसके काम आएंगा? हिंदुस्तान के किसी और के? 2019 में कौन बना भाई आए कोई भी, हम तो मोदी भक्त हैं, मोदी को देंगे। बहुत ज़्यादा खुश है नरेंद्र मोदी के नाम से। एक तो डिमोनेटाइजेशन जो उन्होंने करा था सबसे अच्छा हुआ इंडिया के लिए, भारत के लिए, और ऊपर से जो ये देश के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो मोदी विदेश में घूमते हैं भारत छोड़ के, इसके बारे में क्या? जो विदेश जाते हैं वो भारत के लिए सोच के जाते हैं, कुछ ना कुछ करके आते हैं, वहाँ नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं फॉरन से इंडिया के लिए, जो काफ़ी कामयाब हो रही हैं भारत में। 2019 में कौन? 2019 में मुझे लगता है मोदी ही जीतेंगे। युवाओं के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा किया है, नौकरियाँ काफ़ी निकाली हैं मोदी सरकार के द्वारा। मोदी जी के काम से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, हम खुश हैं, और इससे बढ़िया सरकार देश में 70 साल में ना आई है ना आएगी। लोग कह रहे हैं मोदी जी विदेशों में घूमते हैं कुछ करते नहीं हैं। विदेशों में भी जाके मोदी जी ने इतना नाम कमाया है कि अब दुनिया का हर देश हमें एक उन्नत देश की तरह देख रहा है। और हमारी जितनी भी मोदी जी की चलाई हुई उज्ज्वला योजना या जो मकान गरीबों को बांटे जा रहे हैं, सिलेंडर दिए जा रहे हैं, और कई करोड़ टॉयलेट बनवाए गए हैं, ये काम ऐसे हैं जो कि सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती थी। सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई उनके खिलाफ क्या? ये तो जरूर होना था, ये इसलिए होना था क्योंकि लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं। जो एक दूसरे को सांप छछुंदर कहते थे आज इकट्ठे हैं, आज एकदम एक साथ आ गए हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह इस भाड़ को रोको, इस मोदी को रोको। और 2019 की क्या तस्वीर है? 2019 में फिर मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बहुत खुश है। आप चाय बेचते हैं इसलिए खुश हैं क्या? हाँ अजी गुंडागर्दी खत्म कर दी यहाँ तक से, और बहुत काम अच्छे करिए उसे। अच्छा। लोग बात कर रहे विदेशों में घूमते हैं भारत में रहते नहीं। काम तो विदेशों में रहते ही कर लिया जो करना था उसे। तो 2019 में किसे चुने? मोदी के आदमी हम तो। सबसे बड़ी समस्या हमारे शहर में थी लाइट की, मतलब 1500 रोज का डीजल फूक रहा था जनरेटरों में, अब जो है ना मुश्किल से 24 घंटे में 2 घंटे लाइट भाग रही मेरे हिसाब से तो। और जो है सब कुछ जो है तुम देख रहे हो, गुंडा कर सब खत्म है, कारोबार की रही बात तो देखो जैसा आदमी मेहनत करेगा वैसे फल लेगा। मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए, हमारा तो पूरा समर्थन है। मोदी सरकार ने गरीब जनता को लैटरिन देकर ये सोच लिया कि हमें दिक्कत मोल खरीद लिया, ना तो कोई मकान दिया, ना कोई गरीब आदमी लोन भैंस का, ना कोई डंगरों का, कोई मतलब नहीं है। हाँ आज तक कोई मकान नहीं आया गरीब आदमी का किसी का भी। मोदी ने सिर्फ लैटरिन के सिवा कुछ नहीं दिया। वी आर हैप्पी विद द मोदी, और 19 में भी मोदी जी का ही है। व्हाट हैव डन मोदी टिल नाउ? दिख रहा है ठीक है ना, जो पहले नहीं हो रहा था अभी देख लो आप, लाइव दिख रहा है आप लोगों को, सामने की रोड ही देख लो आप या कुछ भी कर लो, बहुत सी चीजें बढ़ी हैं।
और आगे भी मिलेगा। गठबंधन के बारे में, गठबंधन का कुछ ऐसे नहीं कहना चाहिए, जो भी है अगर आए तो वन शॉट आएंगे। मोदी जी ने देश का विकास करा है, दुनिया में अपना नाम करा है, हर हर मुल्क में मोदी मोदी हो रहा है और मोदी जी के काम की सराहना इतनी है कि हम चाहते हैं कि मोदी 20 साल तक भी मोदी ही बना रहे। 2019 में मोदी जी ही आएंगे और कौन आएगा। 19 में सरकार आनी चाहिए मोदी जी की। क्यों आनी चाहिए? बहुत कार्यकाल में बहुत काम कर चुके हैं जो आज तक किसी ने नहीं किए हैं। क्या किया? जैसे मान लिया हमारे क्षेत्र का विकास, लाइट चल रही, सड़कें सब जो है सब चीज सही हो रहा है, जो आज तक नहीं है। गुंडागर्दी का कोई नामो निशान नहीं रहा है। लोग बोल रहे हैं मोदी जो है विदेश में जाते हैं भारत में, ये तो एक जो है मतलब हर तरह की संसार में दुनिया है, कोई कुछ भी कह सकता है किसी के बारे में। जैसे अगले जी के बारे में कोई कुछ ही कहते, लेकिन किसी के बारे में कुछ कहना चाहिए सरकार तो नहीं जानी है। अरे सारी बात तो बेकार है, किसी भी बात तो खुश नहीं है। मजदूर का दौर बेटा कर दिया। तो क्या 2019 में क्या हमें तो ये सोचा था कि तनख्वाह बढ़ेगी तनख्वाह बढ़ेगी, आज तक तनख्वाह भी नहीं बढ़ी। बहुत खुश है सर, उसने शौचालय बनवा दिए, सड़कें भी बनवा दी और भी गांव में भी हमारे काम चल रहा है। लेकिन कहते हैं मोदी जो है वो विदेश में घूमते हैं, यहाँ तो कुछ करवा। विदेश में घूम रहे हैं वो देश के लिए घूम रहे हैं ना। ये झूठी सरकार है, झूठे वादे करे, वादे बहुत करे लेकिन पूरा कोई सा नहीं पड़ता। लेकिन धरातल को तो देख रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं लोगों को, कोई काम नहीं कर रखा बता दो मुझे। और किसान को तो इसने बिल्कुल जमीन में गाड़ दिया, धान है लोगों के घर पड़े, गन्ने का कोई पैसा नहीं है। ऐसी सरकार कभी ना आवे जैसी है। हम तो खुश है नहीं भाई मोदी के काम से, ना हमारी समझ में कुछ काम आया उसका। क्या करना चाहिए उन्होंने? तो बस एक ही मुद्दा ठहर रखा हमने, गाय का और काया का नहीं। अच्छा, हाँ आदमी बोले कुछ नहीं कर रहे ना जी, कुछ नहीं हमारी समझ में आया कुछ कर रहा हो आदमियों के लिए।